नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको सीकर जिले मुख्यालय पर स्टेडियम का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर जाने माने किसान नेता खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैली होने वाली है। मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है, तेज बारिश हुई है। हालांकि बारिश रुक चुकी है, फिर भी हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन बैठने के लिए बहुत सुंदर पंडाल बनाए गए, इसलिए रैली पर ज़्यादा खतरा नज़र नहीं आ रहा है। सीकर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैली होने वाली है और इस समय बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। सीकर का दृश्य आप देख रहे हैं, हम स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैली होने वाली है। ये आप देख रहे हैं, ये जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर रैली हो रही है। ये डोम लगाया गया है जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। जिला स्टेडियम सीकर का दृश्य आप देख रहे हैं, जिला स्टेडियम सीकर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जाने माने किसान नेता खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैली होने वाली है। बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है, हालांकि रैली शुरू होते ही जोरदार बारिश हुई, लेकिन बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये डोम आप देख रहे हैं, जहाँ पर हजारों लोग इस रैली में पहुँच रहे हैं। बहुत ही बड़ी रैली होने की उम्मीद है, लेकिन मौसम का असर निश्चित रूप से इस रैली पर नज़र आ रहा है और लोग बड़ी संख्या में इस डोम में पहुँच रहे हैं। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ हनुमान बेनीवाल की रैली हो रही है। अभी बारिश हुई है कुछ देर पहले, यहाँ पर कार्यक्रम स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मंच का दृश्य, जहाँ पर रैली शुरू हो चुकी है। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर जाने माने किसान नेता और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की का रैली हो रही है। हालांकि बारिश ने इस रैली पर थोड़ी बाधा डाली है, लेकिन बारिश रुकने के बाद मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। और आप देख रहे हैं मंच पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान नेता उपस्थित हैं और कार्यक्रम यहाँ पर लगभग शुरू हो चुका है। सभी को इंतजार है कि हनुमान बेनीवाल मंच पर आए और वो इस हुंकार रैली को संबोधित करें। फिलहाल आप जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने एक तूफान सा लाके खड़ा कर दिया है और आज रैली शुरू होते ही तूफान और बारिश भी हुई है और ये विपक्षी पार्टियों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये देखिए बेनीवाल के चाहने वाले यहाँ पर, और आप देख रहे हैं टेंट से पानी बह रहा है, आप देख रहे हैं बारिश का पानी टेंट से बह रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। तेज बारिश हुई है जिसका पानी आप देख रहे हैं डोम से बह रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। किसान हुंकार महारैली का दृश्य आप देख रहे हैं सीकर जिला स्टेडियम से। बहुत बड़े दो डोम लगाए गए हैं आप देख रहे हैं रैली के लिए। रैली शुरू होते तेज बारिश हुई थी, उसका असर निश्चित रूप से रैली पे पड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर जन हुंकार किसान हुंकार रैली शुरू हो चुकी है। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर किसान हुंकार महारैली, जो कि हनुमान बेनीवाल किसान नेता और खींवसर विधायक के द्वारा आयोजित की गई है। रैली शुरू होते ही बारिश हुई है, लेकिन दो बड़े डोम लगाए गए हैं, इसलिए ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। हालांकि रैली निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर किसान हुंकार महारैली शुरू हो चुके हैं। जाने माने किसान नेता और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल के द्वारा राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में रैली की जा रही है और आज की ये जो रैली है वो खास किसान क्षेत्र में की जा रही है सीकर में। हालांकि रैली शुरू होते ही तेज बारिश के कारण रैली पर असर पड़ा है, लेकिन बारिश रुक चुकी है, मौसम बहुत सुहाना हो चुका है और लोग इंतजार करें कि हनुमान बेनीवाल मंच पर आए और वो किसान महारैली को संबोधित करें। फिलहाल आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए किसान नेता रैली को संबोधित कर रहे हैं और मौसम के कारण रैली
में वास्तव में लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह का गर्मी का मौसम था, लोगों को लग रहा था कि लोग काफ़ी परेशान रहेंगे मौसम के कारण, लेकिन हल्की बारिश के बाद में मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है और रैली अपने इस समय चरम पर नजर आ रही है। के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर रोकेगा कौन? ये कार्रवाई राजस्थान की गद्दी तक पहुंचेगा और यकीन मानिएगा किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर जाने माने किसान नेता और विधायक हनुमान बेनीवाल की किसान हुंकार महारैली शुरू होने वाली है। आप देख रहे हैं इसमें मंच पर बहुत सारे नेता जो सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सभी को इंतजार है हनुमान बेनीवाल के मंच पे आने का। वैसे इस रैली का शुभारम्भ तूफानी रूप से हुआ है, तूफान और बारिश के साथ रैली शुरू हुई है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये रैली निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में तूफान ला सकती है, ये संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत सारे नेता मंच पर उपस्थित हैं, वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की रुचि हनुमान बेनीवाल में है कि वो जब कम मंच पे आएंगे और जब सभा को संबोधित करें उस समय लोगों का जोश खरोश देखते ही बनेगा। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, किसान हुंकार महारैली यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस रैली में हजारों लोग पहुंचे हैं और वो अपने अपने हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं या अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। एक यो हमारे साथ है जो एक कविता लेकर आए हनुमान बेनीवाल की इस रैली के लिए, आइए। क्या नाम आपका? एडवोकेट बीरबल कमेडिया, नागौर से। जी भले, जल्दी बोलिए आप। अब राजस्थान की जनता ये बोली है, अब प्रदेश की जनता नहीं बोली है, प्रदेश की जनता ने जुबा अपनी खोली है, ये सीएम नहीं बंदूक की गोली है। प्रदेश की जनता ने जब जब सीएम की नजब टंटोली है, सीएम की कुर्सी जब जब डोली है, लोगों की कलाई में वसुंधरा तूने बांधी है जो किस चीज की मोली है। राजस्थान की जनता ये बात अब तोली है, प्रदेश की मिट्टी नहीं इतनी नईम की ये पोली है, ये जानकर भी कर सकती है तेरी तिजोरी क्यों नहीं खोली है। तेरे सामने फैली जो ये किसानों की खाली झोली है, नहीं भरेगी ये खाली झोली तो क्यों नहीं ये सरकार पुरानी फटी चोली है। तूने भरी तिजोरी क्यों नहीं खोली है, तूने भरी तिजोरी क्यों नहीं खोली है, क्योंकि तेरे मान लिया पर राजस्थान की जनता बहुत बोली है। वसुंधरा अब ये समझ ले राजस्थान की जनता अब क्यों नहीं इतनी बोली है, क्योंकि कमजोर नब्ज को अब हनुमान बेनीवाल ने टंटोली है। ये टीम अब हनुमान बेनीवाल नहीं, ये टीम अब विराट कोहली है। जय जय राजस्थान, जय जय हनुमान, जय राजस्थान। तुमने बहुत ही शानदार कविता लिखी है और हनुमान बेनीवाल की तुलना विराट कोहली से कर डाली है इन्होंने, और निश्चित रूप से लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। ऐतिहासिक धरा पर, क्रांतिकारी धरा पर राजस्थान। हनुमान जी बेनीवाल के इस किसान महारैली में, हुंकार रैली में अनेक लोग हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आप रही है, संजू बेनीवाल हमारे साथ है, जो कि वेटलिफ्टिंग की जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको यहाँ पर किसी ने बुलाया या खुद आई बेनीवाल जी किस महारैली में? हमारे को हनुमान बेनीवाल जी ने खुद इन्वाइट किया था जी। तो आपको हनुमान जी बेनीवाल की कौन सी चीज़ प्रभावित करती है जो आपको खींच के लाई है? हमें बस किसान, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी किसानों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी एक किसान बाप पिता की बेटी हूं, इसलिए। आप खिलाड़ी होंगे तो आपको क्या लगता है किसानों की समस्या क्या है वर्तमान में, जिसके लिए हनुमान बेनीवाल को इतना आंदोलन करना पड़ रहा है, किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है? किसानों को, किसान सारे कर्ज से डूब रहे हैं और अच्छी फसल और उनके भी मतलब सरकार अच्छे भाव भी नहीं दे रही है, इसलिए। वर्तमान सरकार खिलाड़ियों के लिए जो योजनाएं चला रही है आप उससे संतुष्ट है, उसमें भी कमी है? नहीं है, बहुत कमी है। तो आपने जो ये चैंपियनशिप जीत में योगदान किसका है? सरकारी आपको कोई मदद नहीं मिली इसमें? सरकार की पैसों के मामले में कुछ नहीं है, बस वैसे सपोर्ट मिली है कि आप अच्छी, बस ऑल द बेस्ट बोला था और कोई सपोर्ट नहीं मिली। संजू आपकी, आपका लक्ष्य क्या है और आपको क्या मदद सरकार से मिलनी चाहिए ताकि आप अपनी मंजिल को पा सके? बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सरकार से बस ये है कि हम जहाँ जाएं हमारा खर्चा दे सरकार, बस ये, क्योंकि मैं खुद किसान बाप की बेटी हूँ और किसान सारे कर से डूब रहे हैं, खिलाड़ियों को पैसा दे नहीं सकते हैं, इसलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हनुमान जी बेनीवाल के धर्मपत्नी जी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीकर स्टेडियम में।
सीकर का दृश्य आप देख रहे हैं। सीकर में हनुमान बेनीवाल जी की हुंकार रैली हो रही है। जाने माने किसान नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और खींवसर विधायक हनुमान जी बेनीवाल इस समय राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है और इस समय सीकर की रैली में हनुमान जी बेनीवाल की धर्मपत्नी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। कनिका बेनीवाल, धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे हनुमान जी के बारे में? आज सीकर में जिस तरह से उनकी रैली हो रही है, हजारों लोग यहाँ पर उमड़े हैं। आज हमें कोई दुख नहीं है कि ये लेट घर आते हैं या कुछ भी, तो इस चीज़ के लिए हमें कोई खेद नहीं है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और उनको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। इसलिए हमें किसी चीज़ की, भगवान का आशीर्वाद भी है और जनता का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, बहुत खुश है इस रैली को देख के। व्यक्तिगत सवाल करना चाहूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि दुख नहीं है घर, आप बताएंगे कितने दिनों से हनुमान जी घर आते हैं? क्योंकि तो लगता है, देखता हूँ लोग दौरों पर रहते हैं। इस बार तो लगभग 3-4 महीने हो गए हैं आते हैं, पर एक दिन के लिए, दो दिन के लिए इसी तरह आते हैं। इतनी भीषण गर्मी में वो पूरे दिन घूमते रहते हैं, लोगों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, आप उनको कुछ हिदायतें देती कि अपना ध्यान रखें, या आप चिंता रहती है आपको? कहते हैं लेकिन उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता सुनने का, लेकिन फिर भी एक चिंता बनी रहती है कि शायद लू बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर भगवान के आगे प्रे कर सकते हैं। और एक महीना लगातार शेखावाटी में घूमते हुए हो गया उनको और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि तब भगवान ने भी साथ दिया और जनता का इतना प्यार देख के उनका जो भी लू थी, जो थी, सब दूर हो गई है। आपको जो क्या लगता है, जिस तरह से वो किसानों के हित के लिए घूम रहे हैं, आपको लगता है क्या किसानों की क्या समस्या है वर्तमान में? कर्ज माफ़ी है और किसानों को पानी की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, बिजली की है, तो उसी को लेके जो रैली कर रहे हैं और उसको पूरा करने की भी कोशिश हम पूरी तरह से करेंगे। आप एक महिला है, राजस्थान में वर्तमान मुख्यमंत्री एक महिला है वसुंधरा जी, आपको उनका कामकाज कैसा लग रहा है? उनका कामकाज अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। कामकाज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम तीसरे मोर्चे को तवज्जो देना चाहते हैं, तीसरा मोर्चा उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से सेवा की जाती है। आपको लगता है तीसरे मोर्चे को सफलता मिलेगी अगर हनुमान जी बेनीवाल मनाएंगे? हाँ, जरूर मिलेगी, अगर जनता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो जरूर मिलेगी। मैडम तो आपकी, आप चाहेंगे कि आप ही राजनीति में? वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, अगर वो जैसा उनको सही लगेगा वो कहेंगे। वर्तमान में देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, दुराचार की, बलात्कार की, छोटी छोटी बच्चों के साथ, आपको कितना दुख होता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि हम खुद भी एक बेटी के माँ बाप हैं और उस ऐसी घटनाएं देख के हमें खुद को भी चिंता होती है कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। आप इस संबंध में हनुमान जी से कुछ हिदायत देती है, उनको कहती है कुछ? अभी तक तो नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता है तो बात जरूर होती है इस बारे में और इस तरह की कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो चर्चा भी होती है इस विषय में। आप पहली बार उनके कार्यक्रम में आई है, इससे पहले भी गई है कि नहीं? इससे पहले नागौर हुंकार रैली में गए हैं और सेकंड टाइम आए हैं। नागौर की रैली बड़ी थी, आपको ये सीकर वाली ज़्यादा बड़ी लग रही है? सीकर वाली ज़्यादा बड़ी लग रही है, सीकर वाली इसलिए बड़ी लग रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अकेले बेनीवाल जी ने मेहनत की है। वहाँ पे ये था कि हो सकता है किरोड़ी लाल जी का, अलग अलग तरह की व्यूज़ आ रहे थे जनता के कि किरोड़ी लाल जी की भी भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पे आज पता चला है कि हाँ, भीड़ है हमारे साथ, लोग हैं, हमारे जनता का प्यार हमारे साथ है। मैडम आज जिस तरह से रैली शुरू हुई, बारिश और तूफान आए हैं, आपको डर लगा कहीं ना कहीं? नहीं, तूफान तो शेखावाटी में पहले ही आ चुका है, बहुत पहले, एक महीने से तूफान आया हुआ है शेखावाटी में, और बारिश है वो भगवान का एक संकेत है कि अच्छे के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। और आप लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे हनुमान जी बेनीवाल के लिए खास तौर से? मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि जिस तरह का जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रही है, प्यार हमें दे रही है, ऐसा हमेशा बनाए रखें और हम उनकी मांगों पे, उनकी जो भी बातें हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और मेरी तरफ से मैं अपने पति को पूरा सहयोग करूँगी। 6 महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार, आपको उम्मीद है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में कुछ करेगा? जरूर करेगा, आज की रैली देख के आप भी बता सकते हो कि सब कुछ करेगा। हनुमान जी बेनीवाल की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है एक पत्नी होने के नाते? जनता की सेवा, और जनता की सेवा और हमारे भी बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं, जितना टाइम मिलता है वो बच्चों को भी पूरा टाइम देते हैं और जनता की सेवा करना सबसे अच्छा काम है उनका। शादी हुई तो समय आपकी राजनीति में रुचि थी या नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, मैं बैचलर्स की थी मैंने और उसके बाद शादी हो गई थी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे होती जा रही है। यानी आप यहाँ राजनीति में आने का सोच रही है? नहीं, आने का नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ, इनके पीछे जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। ये थी हमारी खास बातचीत हनुमान जी बेनीवाल की धर्मपत्नी जी से, जो कि सीकर की किसान महा हुंकार रैली में पहुंची है और कह रहे हैं कि मुझे अपने पति पर गर्व है, वो किसानों की बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और हनुमान जी बेनीवाल निश्चित रूप से राजस्थान में एक अलग पहचान कायम करेंगे। हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल अब सभा को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले तो
मैं शेखावाटी और राजस्थान के कोने कोने से हमारे जो वॉलंटियर जो जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत करके और इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत रहे, उन सबको हृदय के अंतरतल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए और आज यहाँ लाखों का जो रेला जो उमड़ के आया है वो आप सब लोगों की मेहनत का ही नतीजा है। साथियों, इस महारैली में आज का ही महाआयोजन व्यवस्था परिवर्तन को लेकर किया जा रहा है और परिवर्तन कभी भी अनिवार्यता के साथ नहीं आता, ये तो निरंतर संघर्ष के साथ आता है। आज सीकर के इस स्टेडियम में जुटी लाखों की भीड़ ने दर्शा दिया है कि अब राजस्थान के किसान व जवान व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष के लिए एकजुट हो गए हैं। साथियों, पिछले 20-25 दिनों से 45 से लेकर 50 डिग्री के तापमान पर, जबकि मौसम विभाग लगातार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए एक आम आवाम तक ये आवाज पहुंचा रहा था कि चुरू, सीकर और झुंझुनू में लू चलेगी तो आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शेखावाटी के उन नौजवान साथियों के साथ साथ उन हमारे बुजुर्गों को जिनके आशीर्वाद से आज का ये महाआयोजन सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं हृदय के अंतरतल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, आज हिल जाएंगे, आज आप लोगों ने दिखा दिया है कि अब राजस्थान का जवान व किसान किसी भी कीमत पर परिवर्तन चाहता है। दोस्तों, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी इन चार हुंकारों का, तो इसके लिए थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा कि राजस्थान के किसान इस महायोजन के मुख्य उद्देश्य मुख्य मुद्दे हैं कि एक तो राजस्थान के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो, किसानों को मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, संपूर्ण राजस्थान में सिंचाई पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, सशक्त लोकपाल की नियुक्ति हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले और 4 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा के लिए सरकार को हम झुका सके, ये हमारे जिस घड़ी का लोग इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आ चुकी है। हनुमान बेलीवान एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर तिलक की तैयारी हो रही है, पूजा के थाल तैयार किए जा रहे हैं और हनुमान बेनीवाल यहाँ पर शीघ्र पहुंचने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी ने कंधे पे उठा रखा है। हनुमान बेनीवाल शीघ्र जिला स्टेडियम पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं समर्थक कंधे पर उठाकर उनको सभा स्थल पर लाए हैं। शीघ्र जिला स्टेडियम पर हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। समर्थकों ने हनुमान बेनीवाल को कंधों पर उठा रखा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो उनको तिलक किया जा रहा है, तिलकार्चन से उनका। हनुमान बेनीवाल जिला स्टेडियम सीकर पहुंच चुके हैं और उनको तिलक किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। सभी इंतजार कर रहे थे किसान नेता खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल का, वो पहुंच चुके हैं, अब देख रहे हैं वो मंच पे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मंच पर, आप देख रहे हैं लोग स्वागत कर रहे हैं पंडाल में हनुमान बेनीवाल का, और जिस व्यक्ति का सब इंतजार कर रहे थे हनुमान बेनीवाल आप देख रहे हैं मंच पे पहुंच चुके हैं। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, किसान हुकार महारैली और बड़ी माला लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये डोम का दृश्य आप देख रहे हैं जो पूरा पीछे तक भरा हुआ है। किसान हुकार महारैली सीकर जिला स्टेडियम में आयोजित हो रही है और स्टेडियम का नजारा आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी माला उनके स्वागत के लिए लाई गई है।
हनुमान बेनीवाल आप देख रहे हैं जिनका आप स्वागत हो रहा है और देख रहे हैं खुद नीचे आ रहे हैं मंच से हनुमान बेनीवाल। बहुत बड़ी माला ये बनाई गई है और हनुमान देव आप देख रहे हैं खुद मंच से नीचे आ गए हैं और खुद मंच के नीचे आ गए और आप देख रहे हैं बड़ी माला हनुमान बेनीवाल को पहनाई जा रही है। मंच के नीचे आ गए हनुमान बेनीवाल आप देख रहे हैं माला पहनने के लिए और आप देख रहे हैं माला पहना दी गई हनुमान बेनीवाल को बहुत बड़ी माला पहनाई गई है। बहुत बड़ी माला पहनाई गई हनुमान बेनीवाल को आप देख रहे हैं और मंच के नीचे आए हैं वो माला पहनने के लिए। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर जाने माने किसान नेता खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल यहाँ पर स्टेडियम में पहुँच चुके हैं। आते ही लोगों का जोशोखरोश देखते ही बन रहा है। आपने देखा एक बहुत बड़ी माला एक गजरा लगभग 50 किलो का बनाया गया और हनुमान जी बेनीवाल खुद उसको पहनने के लिए मंच के नीचे आ गए और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको वो बहुत बड़ी माला विशाल गजरा पहनाया गया और अब सब इंतजार करें कि हनुमान बेनीवाल सभा को संबोधित करें। उनके आते ही निश्चित रूप से लोगों का जोशोखरोश देखते ही बन रहा है। दो जो डोम बनाए गए हैं दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं। आज सुबह बारिश हुई तूफान आया अब मौसम साफ हो चुका है तेज धूप खिल चुकी है इसलिए गर्मी और उमस काफ़ी बढ़ गई है लेकिन इसका लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोग अपने चहेते नेता को देखने के लिए अपना पूछे सुनने के लिए पहुंचे हैं। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर किसान हुंकार महारैली हो रही है हनुमान बेनीवाल की और हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं मंच पर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जिला स्टेडियम सीकर का आप देख रहे हैं जहां पर किसान हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं ये राजस्थान में उनकी चौथी हुंकार रैली है। इससे पहले नागौर बीकानेर और बाड़मेर में वो रैलियां कर चुके हैं लेकिन सेगावाटी बेल्ट में आज की उनकी रैली बहुत तूफानी रही है क्योंकि रैली शुरू होने से पहले तूफान और बरसात हुई है लेकिन उसके बाद में जिस तरह से लोगों का जोश देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से अद्भुत है। इधर आप देख सकते हैं ये चारों तरफ आप देख रहे हैं इस जो डोम दो डोम बनाए गए हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और वो लगभग 5 घंटे से हनुमान बेनीवाल का इंतजार कर रहे थे और जैसे हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुँचे लोगों में जोश बढ़ गए हैं और सब इंतजार करें कि हनुमान बेनीवाल अब सभा को संबोधित करें इस महाहुंकार रैली को संबोधित करें। देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल को धनुष पेंट किया जा रहा है और वो आप देख रहे हैं तीर लगा रहे हैं धनुष पर और निशाना निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता है। आप देख रहे हैं धनुष कमान के साथ में हनुमान बेनीवाल को धनुष बाण भेंट किया गया है हनुमान बेनीवाल को और तीर कमान का निशाना निश्चित रूप से राजस्थान की वो गद्दी है जिसको हर नेता हासिल करना चाहता है। ये आप देख रहे हैं निशाना लगा रहे हैं हनुमान बेनीवाल और ये तीर छोड़ा है उन्होंने। जयपुर की तरफ निशाना लगा ये आप देख रहे हैं जयपुर की तरफ ही निशाना किया गया है कि सिर्फ 3 महीने का शासन जयपुर की ओर कूच करो और वापिस तब लौटो जब सत्ता प्राप्ति हमारी हो। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। उम्मीद क्या थी के सर लेके आएगा पर उस लोगों ने अपना चरित्र दिखाया। सीकर जिला स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर किसान हुंकार महारैली चल रही है और इस सभा में बहुत सारी चीज़ें वो नज़र आ रही है जो किसानों का हथियार माने जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ये किसान का एक महत्वपूर्ण हथियार कहा जा सकता है एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कृषि में काम आता है और उसको भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सजा के लाए गए। इससे पहले आपने देखा कि एक तीर कमान हनुमान जी बेनीवाल को भेंट किया गया उन्होंने निशाना लगाया जयपुर की तरफ क्यों उनका निशाना जयपुर है वो चाहते हैं कि तीसरे मोर्चा बने और वहाँ पर तीसरे मोर्चे में किसान जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने उस हिसाब से उन्होंने एक तीर चलाया था। और अभी आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत जो उपकरण है जिसको जेई कहते हैं जो निश्चित रूप से जो घास फूस है उसको इकट्ठा करने के लिए जो अन्न उपस्थित है उसको इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाता है वो भी हनुमान जी बेनीवाल को भेंट करने के लिए बहुत सुंदर ढंग से सजा के लाए गए हैं। आप देख रहे हैं डोम के खंभों पर लोग चढ़े हुए हैं ये बहुत ही जोखिम भरा आप देख रहे हैं।
दो के अंदर जो खंबे लगे हैं उन पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। सीएम की ओखा तैया सीएम बीवी देश भाग गया सीएम की ओखा तैया सीएम बीओ देश भाग गया बच्चा बच्चा कहने लाग गया बदल गया दिन मान है बच्चा बच्चा राम शुभ बजरंग मनावे एक बार सीएम देखना चाहे मनोकामना पूरी हो जा हे भगवान तेरा शुक्र मनावे मनोकामना पूरी हो जा हे भगवान तेरा शुक्र मनावे संतान है उस जननी को शीश नहावे जिसके संतान है हनुमान बिनवाल मारे पाकिस्तान किसान है दुनिया में यारा मारा प्यारा हिंदुस्तान है उसके बाद में भाई साहब की अगवानी में एक मिनट का एक गीत होगा और उसके बाद में हनुमान जी भाई साहब बोलेंगे लेकिन इस कार्यक्रम को आगे मैं तब बढ़ाऊंगा जब ये लोग नीचे उतरना अपन सारे ग्राउंड में रहेंगे। कहां लोग चढ़ गए हैं पत्थर बनकर सब में बिजली का डोम में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं घर वालों को बहुत जरूरत है ध्यान रखना क्योंकि इतने अनुशासनहीन लोग भाई साहब की जरूरत नहीं है आप सारे लोग नीचे खतरा लोग उठा रहे हैं देखिए आप सारे लोग कार्यकर्ता ध्यान दें इन लोगों को नीचे उतारे देखिए कितनी मूर्खता है ये सारे लोग नीचे उतरे उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा एक एलईडी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ आप लोग खड़े हो गए एलईडी चलेगी कैसे निवेदन किया जा रहा है सबसे नीचे उतरने का लोग खड़े वो भी नीचे उतरे आप देख रहे हैं सभी को नीचे उतरने का निवेदन करें हनुमान बेनीवाल जली भेंट करके सम्मान किया गया हनुमान जी बेनीवाल का शौर्य का प्रतीक तलवार भेंट की जा रही है डॉक्टर साहब सुमेश सिंह जी ये तलवार सत्ता की जंजीरों को काटेगी ये तलवार पाकिस्तान के नौजवान और किसान तलवार हलवार में लहरा रहे हैं हनुमान जी साहब और उनके साथियों से निवेदन है सर्व समाज साहब की ओर से एक मनीष जी तस्वीर भेंट की जा रही है सब अपने अपने तरफ से सम्मान करें हनुमान बेनीवाल का इन सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत संजय जी यादव किसान नेता छोटू राम जी का चित्र भेंट किया जा रहा है विजय जी लोची कितनी दिन पर इस मंच पर दिया है दो तीन जोरदार जेकर आपको बोलने जे बोले वीर चाचा जी महाराज की बजरंग बली की जय बोले राम साहब वीर की सबसे पहले तो शेखावाटी की पावन धरा पर सीकर के इस स्टेडियम के अंदर शेखावाटी अंचल सहित पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे हुए मेरे किसान भाइयों 36 कौम के बुजुर्गों और नौजवान साथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि 17 तारीख से लेके आज 25 दिन लगातार हो गए इस तपती धूप लू के थपेड़े बरसात और आंधी और एक जगह तो राजगढ़ के अंदर जब मैं भाषण दे रहा था वहां तूफान आ गया था आप आंधी तूफानों गर्मी से उनको चीरते हुए आगे बढ़े और जो देश के नौजवानों को सीकर की रैली का इंतजार था ज्योति ओंकार की तरफ पूरा राजस्थान और पूरा देश देख रहा था आज ऐसी हुंकार आपने भरी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया दिल्ली और जयपुर के लिए हमारे देश के अंदर किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन किया था
की टिकट, जिन्होंने दिल्ली की सरकार को मजबूर किया और दिल्ली के अंदर ऐसा पड़ाव डाला कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनके आगे घुटने टेकने पड़े और किसानों की जय जयकार दिल्ली के अंदर कराई। उनके सुपुत्र मेरे भाई राकेश जी टिकैत आज हमका पूरे देश के अंदर जहां भी किसानों का आंदोलन होता है, ये पार्टी जो ऊपर उठ के किसान के लिए, अपनी कौम के लिए हर जगह तैयार रहते हैं। मैं राकेश जी को धन्यवाद दूंगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मैंने पहले भाषण इसलिए दिया है कि मौसम भी अच्छा है और मौसम बढ़िया हो जाएगा। अभी 10 वक्ताओं को आप सुन के जाओगे, नहीं तो झगड़ा अभी मंच पे मेरे बाद राकेश जी बोलेंगे और उसके बाद एक दर्जन दलित नेता, मुस्लिम नेता, हमारे भाई यादव समाज के नेता, गुजर समाज के नेता, ब्राह्मण समाज के नेता, 36 कौम के नेता जो मंच में बैठे हैं, उनको भी दो दो पांच पांच मिनट आपको सुन के जाना है। जाओगे कि नहीं जाओगे सुन के? और ये हमेशा की तरह मेरा भाषण खत्म होते ही रवाना हो जाओगे? रवाना नहीं होना, मैं खुद पूरे कार्यक्रम के अंदर यहाँ बैठा रहूंगा। और अगर आज आपने 2 घंटा इंतजार और कर लिया और सबको सुन लिया मंच पे बैठे लोगों को, तो निश्चित रूप से मिशन 18 को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। मिशन 18 भी पूरा होगा और प्रदेश के अंदर जो दिसंबर के अंदर चुनाव है, उस चुनाव के अंदर असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने वाली टीम आप लोगों और ये कर्ता धर्ता भी मंच पे बैठे हैं, ये सब कोई 200 गाड़ी लेकर आया, कोई 300 गाड़ी लेकर आया और सबकी इच्छा है। और मैंने हमेशा कहा कि मेरा मंच नौजवान नेताओं को तैयार करने की एक फैक्ट्री है जिसके अंदर नौजवान नेता तैयार होते हैं। मोर्चा अपने जो सीकर की सभाओं के अंदर कहा था, जाट मुसलमान मेघवाल मीणा माणी यादव गुजर ब्राह्मण और 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं। और आप ये क्यों सोचते हो कि बड़े नेताओं से राजस्थान चलता है? जिनके नाम बड़े हैं उनके दर्शन खोटे हैं और जो नए नाम के हैं उनके अंदर ज्यादा ऊर्जा है। तो मैं मेरे भाइयों से आह्वान करूंगा और एक बात का आप कमिटमेंट मुझे करो कि मेरा भाषण समाप्त होने के बाद राकेश जी बोलेंगे तो इस ऐतिहासिक रैली के लिए मैं राजस्थान के नौजवानों का और सीकर जूनियर चूरू नागौर बीकानेर जोधपुर बाड़मेर और जयपुर के तमाम गाँव के अंदर जहाँ मैंने दौरा किया और जहाँ से आपने हुंकार की शुरुआत की थी, जो आंधी नागौर से चली थी वो बाड़मेर होते हुए बीकानेर पहुंची और बीकानेर से चौथी हुंकार आज हमने भर दी और सीकर के अंदर तूफान आ गया। और जब जयपुर कूद करेंगे तो जयपुर के अंदर सुनामी चलेगी और उस सुनामी के अंदर वसुंधरा गहलोत और पायलट का पता भी लगेगा कौन से पेड़ पे जाके अटक जाएंगे सुनामी के अंदर। तो मेरे भाइयों, ये सुनामी आपको ही लानी है। और जयपुर की रैली के अंदर भी सबसे ज्यादा जोश और काम सीकर जूनियरों के नौजवानों को करना है। मैं धन्यवाद दूंगा वीर तेजा सेना की पूरी टीम को, सीकर सहित राजस्थान के अंदर ज्यादा वीर तेजा सेना की टीम हमारी बनी हुई है। अंबेडकर संयुक्त मोर्चा, भीम सेना, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख नेतागण जो हम विराजे अलग अलग और तमाम वो संगठन जिनने 25 दिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, एक तरफ तो सरकार ने अलर्ट जारी किया था कि तेज धूप है, गर्मी ज्यादा है, कृपया घरों से बाहर नहीं निकले, लू लग सकती है, तापघात हो सकता है, मौत भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ शेखावाटी के किसान के बेटों ने उस लू के थप्पड़ों को झेलते हुए, गर्मी को चीरते हुए अपने भाई हनुमान बेनीवाल का
कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और आज चौथी हुकार आपने भरी है। इस हुकार का संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा। हम पहले राजधानी पे कब्जा करेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश से भाई राकेश टिकेट, हरियाणा से धनखड़ जी, लोहन जी की पूरी टीम आई हुई हमेशा, ये सब चारों तरफ से मिलके हम दिल्ली को घेरेंगे और पहले किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री और 2019 के अंदर किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसी व्यवस्था हम इस देश के अंदर करेंगे। भाइयों, हमें हुंकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आपस के अंदर हाथ मिला लिया। गहलोत वसुंधरा के साथ लंच लेता है तो कभी सचिन पायलट वसुंधरा के साथ डिनर लेता है, तो कभी दूसरे नेता वसुंधरा के साथ ब्रेकफास्ट लेते हैं। 4.5 साल के अंदर कांग्रेस ने प्रदेश में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और वसुंधरा जब विधानसभा के अंदर आती है तो कांग्रेस के विधायक वसुंधरा के पैर छूने के लिए टूट के पड़ते कि वसुंधरा कहीं बाद में भीड़ हो जाए हमें देखे नहीं, इसलिए पैर छोड़ने की कांग्रेस की होड़ लगी रहती भारतीय जनता पार्टी के नेता की। तो ऐसा विपक्ष राजस्थान के अंदर है और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों किसानों को कि पिछले 15 साल से मैं आपके लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ रहा हूँ और अगर मुझे मंत्री बनना होता तो गहलोत वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठा के मैं 15 साल पहले कैबिनेट मंत्री बन जाता, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं किसान और किसान के बेटों की दुर्दशा और दिशा है इसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। जब तक राजस्थान के अंदर असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा मैं संतरी बनकर राजस्थान में आपकी सेवा करूंगा और मैं संतरी बनकर राजस्थान के अंदर आपकी सेवा कर रहा हूँ। यह शेखावाटी की वो वीर भूमि है जिन्होंने आज़ादी से पहले 1935 के अंदर कूदड़ कांड के नाम से विख्यात है वो इतिहास के अंदर, अंग्रेजों ने जब जबरन लगान वसूली शुरू करी तो कूदड़ के अंदर हजारों की तादाद के अंदर किसान के बेटे इकट्ठा हुए और अंग्रेजों पे धावा बोला, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और 4 किसान के बेटे कूदड़ के अंदर शहीद हो गए और उनकी शहादत का देश के अंदर ऐसा मैसेज गया कि अंग्रेजों को लगान माफ करनी पड़ी। अगर अंग्रेजों से जबरन लगान माफ कराई तो इस शेखावाटी की वीर धरती के वीर सपूतों ने अंग्रेजों को खदाड़ दिया और लगान माफ कराई। दूसरा, ये वो धरती है जिसने भारत माता को सबसे ज्यादा शहीद सपूत दिए। सुभाष चंद्र बोस की सेना के अंदर भी सबसे ज्यादा लड़ने वाले लड़ाके थे राजस्थान से, वो सीकर जुझनू के लड़ाके थे जिन्होंने पहला वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा और 1971 और कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 70 किलो बारूद और बोझ लेके अगर कोई चढ़ा तो शेखावाटी का जाट रेजिमेंट का जवान जिसने दुश्मनों के वो छुड़ा दिए और कुछ बेटियों को मार के भगा दिया तो शेखावाटी परम सामंतवाद बहुत तगड़े तरीके से चल रहा था और सामंतवाद चरम सीमा पर था। जागीरदार किसान के बेटों को, दलित के बेटों को अपने घर के सामने से जूते पहन के बड़े निकलने रहते थे और घोड़ी पे किसी की बारात नहीं निकला करती थी। तब शेखावाटी के झुंझुनू उदयपुर वाटी से करणी राम रामदेव ने ऐसा बिगुल बजाया कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और पूरे राजस्थान से सामंतवाद को और जागीरदारों को भगा दिया और सामंतवादी प्रथा का और जागीरदारी पंथ तक प्रथा का अंत हुआ। इसकी शुरुआत सीकर की धरती से हुई है। यह आंदोलनों की वीर भूमि है। जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर हम पूरे राजस्थान के अंदर उस समय घूम रहे थे, लेकिन जब सीकर के अंदर संसैलाब देखा तो तत्कालीन जो नेता थे और प्रधानमंत्री की दौड़ में चल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो जैसे ही सीकर आए सीकर के जवानों का किसानों का जोश और हौसला देख के 2 मिनट के अंदर ही बोल दिया कि जाटों को
जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ओबीसी के अंदर शामिल करके आरक्षण दे देंगे। ये वो सीकर की भूमि है, बाड़मेर से आरक्षण की शुरुआत हुई थी आंदोलन की और सीकर के अंदर हमें आरक्षण मिला। इसलिए वीर भूमि के वीर जवानों को मैं बारंबार नमन करता हूँ, उन शहीदों को नमन करता हूँ, उन आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ। और तो और सीकर की भूमि ने चौधरी देवीलाल को यहाँ से सांसद बना के उप प्रधानमंत्री बनाया और चौधरी देवीलाल पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10,000 का मूल कर्जा माफ करेंगे। और जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए और उन सबको बुलाया कि मुझे कर्जा माफ करना है तो रिजर्व बैंक के गवर्नर और जितने भी अधिकारी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला साहब सारा कर्जा माफ करेंगे तो बैंक खाली हो जाएंगे, बैंकों को गिरवी रखना पड़ेगा। तब चौधरी देवीलाल ने कहा अगर बैंक गिरवी रखना पड़े तो बैंकों को गिरवी रख दो। चौधरी देवीलाल की जुबान नहीं जानी चाहिए और उन्होंने देश के अंदर 10,000 का मूल कर्जा माफ किया और लाखों किसानों के घर के अंदर दिवाली आ गई। 10,000 के मूल कर्जे के साथ साथ वो तमाम ब्याज पेनल्टी भी माफ हुई और आज से 25-30 साल पहले लोगों के लाखों रुपए उस कर्ज माफी के अंदर हुए थे। और मैं तो उस कौम से बिलोंग करता हूँ जब चौधरी देवीलाल के सर पे प्रधानमंत्री का ताज रखा गया, तब इनकी संसदीय दल की बैठक चल रही थी और देश के सारे सांसदों ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल होना चाहिए। तो देवीलाल जी ने कहा मैं जवान का पक्का हूँ, मैंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की जुबान दे दी है, मैं वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए इतिहास के अंदर उन्हीं लोगों का जिक्र होगा जो देश के लिए, किसान के लिए और मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। और हमारे सर छोटूराम शहीद आजम सर सर की उपाधि जिनको मिली थी, उन्होंने पूरे देश के किसानों को जगाया और आज़ादी से पहले भी पूरे देश के अंदर भ्रमण करके किसान को चिंतित होकर एक दिशा के अंदर चलने का उन्होंने बीड़ा उठाया और किसानों की प्रमुख समस्याओं के लिए वो पंजाब हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर आंदोलन भी किए, किसानों को आगे लेकर बढ़े। मेरे भाइयों आज हमें हुंकार की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि आज़ादी के 70 साल बाद किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके या तो आत्महत्या कर रहा है या हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है। हमें राजस्थान के किसानों को बचाना है, किसान के बेटों को बचाना है। आज़ादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्या कर रहा है, अपने परिवार के साथ वो आत्महत्या कर रहा है, सरकार उनकी छोड़ती नहीं। और आपने देखा होगा कि इस व्यवस्था को अगर बदलना है, आपने 70 साल के अंदर एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, हमें व्यवस्था बदलनी है और व्यवस्था बदलने के लिए प्रदेश के नौजवानों ने हुंकार भरी है और पहली हुंकार 7 दिसंबर 2016 को नागौर से भरी थी। जो रैलियां 1 लाख की संख्या में जयपुर में हुआ करती थी, 5 लाख जवान किसानों ने नागौर से हुंकार भरी और कहा हम आ रहे हैं, सिंहासन खाली करो, राजस्थान का जवान और किसान इस सिंहासन पर कब्जा करेगा। और उस 5 लाख की हुंकार से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके अंदर 1 दर्जन से ज्यादा किसान शहीद हुए और कर्ज माफी के आंदोलन को पूरे देश के अंदर हवा मिली। अगर उसकी शुरुआत कहीं से हुई कर्ज माफी आंदोलन की, वो नागौर की धरती से हुई, राजस्थान की धरती से हुई। और उसके बाद दूसरी हुंकार जब हमने बाड़मेर के अंदर भरी तो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर तो भूचाल आ गया था। सीमा पे 7 लाख जवान किसान पहुंचे, हिंदुस्तान के नेताओं के कान खड़े हो गए, लेकिन पाकिस्तान भी डर गया कि सीमा पे मिलिट्री का मूवमेंट नहीं चल रहा है, आखिर इतनी ज्यादा भीड़ कहां से आई। तब हमने कहा था हमारा मन कर रहा है कि पाकिस्तान की ओर कूच करें और युद्ध का ऐलान कर दें बाड़मेर से, तो पाकिस्तान भी घबरा गया था। वैसे हमारे डॉक्टर क्योरीलाल जी मीणा ने बाड़मेर के अंदर ये भाषण दिया था कि मेरा मन मचल रहा है, मैं पाकिस्तान की ओर कूच करूं। उनका मन तो मचल गया लेकिन उनका मन वसुंधरा जी पे मचल गया
इसे वापस वो भारतीय जनता पार्टी कर गए और पाकिस्तान की कूच वाली बात उनको डॉक्टर साहब को याद नहीं रही। वैसे तो हम दोनों ने मिलकर 44.5 प्रदेश के किसानों के लिए संघर्ष किया था, लेकिन आखिरी समय के अंदर वो वसुंधरा के झाड़ के अंदर फंस गए और हमें इस लड़ाई के अंदर छोड़ के चले गए। लेकिन राजस्थान का JMM मोर्चा, जिनकी घोषणा उन्होंने मेरे साथ बाड़मेर के अंदर करी थी, वो JMM मोर्चा प्रदेश के अंदर आगे आगे चलेगा। हम बड़े भाई की भूमिका के अंदर चलेंगे। राजस्थान का जवान किसान शोषित सारा तबका हमारे साथ साथ चलेगा और मिशन 18 को हम पूरा करेंगे। भाइयों, हमने सबसे पहले इस उद्धार के अंदर मांग रखी कि राजस्थान को अगर रिसर्जेंट करना है, आंदोलन जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, मेरे भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं, राजस्थान के जवानों को आह्वान करता हूं कि सेकावटी के जवानों के साथ मिलकर इस आंदोलन के अंदर कूद पड़ो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भाग जाएगी और कांग्रेस को तो गांव के अंदर एजेंट भी नहीं मिलेंगे बैठने के लिए। ऐसी हुकार आज आपने सीकर के अंदर भरी है। बरसात के अंदर भी आप बैठे थे, तूफानों के अंदर भी बैठे थे। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि हमें सिंहासन हमारा इंतजार कर रहा है और डिब्बे बनकर तैयार हो गए रेल के। बाड़मेर, नागौर और बीकानेर के अंदर रेल के डिब्बे तैयार हो गए और सीकर से आज आपने इंजन लगा दिया और आज ये सुपरफास्ट रेलगाड़ी राजधानी की ओर कूच करेगी और किसानों का राज इस राजधानी के अंदर आएगा। धन्यवाद दूंगा समस्त राजस्थान से पधारे हुए नौजवान साथियों का और इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जावान, शिक्षित और शहीदी कोई जिले हैं तो सीकर झुंझुनू है। जाके बेटे बेटियों ने दो बाड़मेर जैसलमेर के दौरे, डूंगरपुर बांसवाड़ा का ट्राइबल बेल्ट और चंबल के भीड़ों के अंदर विपरीत परिस्थितियों के अंदर लड़ते हुए इस राजस्थान को शिक्षित करने का काम किया, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए चौथी उतार का इंजन शेखावाटी से लगेगा और ये इंजन रेलगाड़ी, संपूर्ण रेलगाड़ी राजधानी की ओर कूद करेगी और वसुंधरा तो आपका रेला देख के परेशान हो जाएगी। वसुंधरा डरती बहुत है, मैं भी कुछ समय वसुंधरा के साथ रहा हूँ, मैं भी वसुंधरा के चक्कर में चढ़ा हुआ था पहले, तो मैं तो निकल गया जल्दी उसके चक्कर से, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब वापस उड़ के क्या करेंगे हमारे साथ। और प्रदेश के हर समुदाय के विभिन्न नेता, दूसरी जातियों के नेता हमारे संपर्क के अंदर है, लेकिन हम सारे पत्ते जब जयपुर की रैली होगी उस मंच पे हमारे मोर्चे और पार्टी की घोषणा होगी उस दिन वो तमाम राजस्थान के नेता नजर आएंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2018 का मिशन पूरा करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान को रिसर्जेंट करना है तो राजस्थान वसुंधरा की बातों से और विदेशों से पर्यटक बुला के बड़ी बड़ी होटलों पे खाना खिला के ऊंट हाथी पर सवारी करा के या कोई ये सब कोंडे दृश्य संस्कृति जयपुर के अंदर जगह जगह 5-star होटलों के अंदर करके और विदेशी मेहमानों को खुश करने से राजस्थान रिसर्जेंट नहीं होगा। राजस्थान रिसर्जेंट होगा जब राजस्थान का किसान रिसर्जेंट होगा, जब राजस्थान का जवान रिसर्जेंट होगा। और जवान और किसान को रिसर्जेंट करने के लिए हमने मांग उठाई कि राजस्थान के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे, 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा सरकार माफ करे। इस बात की चौथी हुंकार बीकानेर के बाद हमने सीकर के अंदर भरी। जब दिल्ली के अंदर धन्ना सेठों का 3,00,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी माफ कर सकती है तो प्रदेश के किसानों का 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा वसुंधरा और इनकी सरकार माफ करे। मेरी दूसरी हुंकार की मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मोदी सरकार और राजस्थान की सरकार लागू करे। आज किसान 100 रुपये अगर खेती में खर्च करता है तो बाजार भाव से उसे 57 रुपये मिलते हैं, वही अमेरिका और जापान के अंदर
अगर किसान 100 रुपए खर्च करता है तो उसे 300 रुपए मिलते हैं। स्वामीनाथन आयोग देश के अंदर किसानों की आत्महत्या बढ़ती हुई आत्महत्या को देख के एक आयोग बनाया। उस आयोग ने रिपोर्ट दी कि बाजार मूल्य से जब तक किसान की फसल को उपज को आप 3 गुना मूल्य नहीं दोगे जब तक किसान का भला नहीं हो सकता। तो हमारी मांग रहेगी राजस्थान की सरकार से, दिल्ली की सरकार से, कि राजस्थान और देश के अंदर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करे ताकि किसान का भला हो। तीसरी हमारी मांग है कि किसान के बेटे घर घर की ठोकरें खा रहे, डिग्री लेने के बाद वो 5,000 रुपये की नौकरी करने को मजबूर है। हमने मांग करी कि 4 लाख खाली पद भरे जाए, 1 लाख संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और 10,000 रुपये जिनकी नौकरी लगे उन किसान के बेटों को 10,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए ताकि वो आगे की पढ़ाई जयपुर दिल्ली या दूसरी जगह कोचिंग कर सके। चौथी मांग हमारी थी कि मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना अगर फ्री बिजली दे सकता है तो राजस्थान सरकार को भी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बाद जो बिजली का उत्पादन बढ़ा है राजस्थान की सरकार को किसानों को मुफ्त बिजली देनी चाहिए और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली देनी चाहिए। पांचवी हमारी मांग थी कि टोल मुक्त राजस्थान हो, संपूर्ण प्रदेश के अंदर चाहे नेशनल हाईवे हो, मेगा हाईवे हो और स्टेट हाईवे हो, स्टेट हाईवे का टोल जरूर वसुंधरा ने इस हुंकार और जवानों के डर से माफ किया है लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम मांग करते हैं कि संपूर्ण राजस्थान के टोल नाके उठा के, वसुंधरा जी आपको ज़्यादा शौक है तो या तो गुजरात मोदी जी के वहाँ ले जाओ, नहीं तो अपने पीयर ग्वालियर ले जाओ और उनको पटक दो टोल नाकों के ले जाओ। एक हमने मांग करी कि मजबूत लोकपाल राजस्थान के अंदर बढ़े। पिछले 3-4 साल की लोकायुक्त की रिपोर्ट जो विधानसभा के अंदर पेश होती है वो मैंने पढ़ी थी, 50 से ज़्यादा मुकदमे राजनेताओं के खिलाफ, आइए भ्रष्ट IAS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की लोकायुक्त ने सिफारिश करी लेकिन लोकायुक्त के पास अतिरिक्त शक्ति नहीं है। लोकायुक्त अपने आप में स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, ऑटोनोमस नहीं है। तो हम मांग करेंगे कि राजस्थान के अंदर लोकायुक्त को मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पे वो तमाम शक्तियाँ मिले जिससे वो भ्रष्टाचार की जांच भी कर सके और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भी डाल सके। प्रदेश के अंदर प्याज की समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार से हम कराएंगे और आज हमने ज्ञापन में भी लिख दिया, हमारी हुकार के बाद इस वसुंधरा घुटने टेकेगी और किसानों की प्याज को भी समर्थन मूल्य की संडे में लाना पड़ेगा। सीकर के अंदर जो प्याज की बड़ी मंडी खोलने की बात थी अभी भी वो मंडी नहीं खुली, इसको भी हमने घोषणा पत्र के अंदर लिया। फसल बीमा योजना के नाम पे किसानों से जो प्रीमियम लिया जाता है वो 20,000 करोड़ का प्रीमियम पिछले 2-3 साल के अंदर लिया गया लेकिन उनमें से मात्र 800 करोड़ रुपए बांटे गए, 19,200 करोड़ का घोटाला तो इन कंपनियों ने 3 साल के अंदर कर दिया। वो तो मुख्यमंत्री को मोटी रकम देते हैं, कृषि मंत्री को मोटी रकम देते हैं और दूसरे मंत्रियों को मोटी रकम दे के और तहसील को इकाई मान के इन्होंने पूरा इस मामले को ख़त्म कर दिया। हम मांग करेंगे कि फसल बीमा योजना का लाभ भी प्रत्येक व्यक्ति को मिले जिसका प्रीमियम सरकार काटती है, प्राइवेट कंपनियां काटती है और इसके लिए खेत को अगर इकाई माना जाए या गांव को इकाई माना जाए तो किसान को इसका पूरा लाभ मिल सकता है। मेरे भाइयों, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों ने नक्सलवादियों और अपराधियों से लड़ते हुए जगह जगह अपने प्राण न्यौछावर किए, वो वीर गति को प्राप्त हुए लेकिन राजस्थान की और देश की सरकार उनको शहीदों का दर्जा नहीं देती। हम उतार के माध्यम से मांग करेंगे कि शेखावाटी अंचल सहित पूरे राजस्थान के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान अपराधियों, आतंकवादियों और नक्सलियों से लड़ते हुए अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इस बात की उतार भी हम ऐसे करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन चला,
उसके बाद अंग्रेज सरकार लगभग आ गई और अंग्रेज अपना सामान समेट के रवाना होने लगे। और आपको भी मैं आह्वान करता हूँ कि आपको भगत सिंह और कांचन चोपड़े की भूमिका के अंदर चलना है। मुझे मेरे साथी पूछते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं, जब प्रेस है अखबार है, जब सरकार काला कानून लेकर आई थी तब हमने विरोध किया, अगर ये काला कानून आ गया तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तब मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया और मीडिया के साथ की वजह से ही सरकार बेदफुट में गई और वसुंधरा ने थूक के चाट लिया और वो काला कानून वापस लिया। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। और अब मीडिया से मैं आह्वान करता हूँ कि तीन स्तंभ डगमगा गए, न्यायपालिका भी कई जगह आप देख रहे हो किस तरह के बयान आते हैं, किस तरह का मामले आते हैं, और विधायिका और कार्यपालिका सारी भ्रष्टाचार के अंदर 80% डूब गई। अगर गरीब आदमी और आम आदमी की अगर उम्मीद बची है और व्यवस्था परिवर्तन अगर कोई कर सकता है तो सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस प्रदेश के अंदर इस आंधी को सुनामी का रूप दे सकता है। और जब हम जयपुर में हुंकार भरे तो 15 लाख से ज़्यादा लोग जयपुर के अंदर आएंगे। ये मीडिया के भाइयों से मेरी अपील है कि आप लोग इन जवानों के जोश को देखते हुए आप हमारी मदद करें। मैंने राजस्थान के अंदर चौथी हुंकार भरी है, एक जगह भी एक साधन नहीं लगाया मैंने कहीं भी। 2-3 दिन पहले एक बच्चे का टेलीफोन आया था, कह रहा था भाई साहब हमारे गाँव में साधन मत लगाना, हमारा सीकर से 30 किलोमीटर गाँव है और हमने पैसे इकट्ठे कर लिए, 2-2 जने बाइक पर आएंगे, जिसकी बाइक होगी उसमें मैं 50 रुपये का तेल डला दूंगा और बाइक उसकी होगी मैं आ जाऊंगा, 2 जने हम साथ आएंगे। तो किस तरह के मन के अंदर उन बच्चों के कि हम हुंकार भरने के लिए जाएंगे, हमारा भाई हमें बुला रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन नौजवान राजस्थान के अंदर कर सकते हैं। किसी भी क्रांति की अगर शुरुआत की है तो नौजवानों ने की है, किसानों बुजुर्गों का तो आशीर्वाद मिला है। और करना चाहता हूँ मैं, लड़ते लड़ते अगर कोई गोली मेरा सीना चीर के भी चली जाए हनुमान बेनीवाल को गम नहीं। मैंने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी है जो भगत सिंह और तात्या टोपे ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के नौजवानों के अंदर भर दी। मेरे भाइयों ये लड़ाई का आखिरी राउंड है, छोटे छोटे गुटों के अंदर बंट के समाज और किसान को कमजोर मत करो। सरपंचों की गुटबाजी गांव की चौपाल पे खत्म कर दो और छात्र चुनाव होने के बाद सब एक मंच पे जाके जयपुर के अंदर अपना राज लेना है, इस दिशा में बढ़ो। और जब राज जयपुर में आ जाएगा, सीएम हमारा बन जाएगा, तो हमारा मंत्री चाहिए एक भी मत बनाना, इतने काम हो जाएंगे। जिस तरह भामाशाह के कैंप लग रहे हैं, नौकरियों के कैंप लगा देंगे, जाओ उस गांव से 50 लड़कियों का नौकरी लगा कर, ऐसे कैंप राजस्थान के अंदर लग सकते हैं। इसके लिए सरकार चाहिए और सरकार कौन बनाएगा, आप बनाओगे, आगे आगे JMM चलेगा और बाकी हमारे साथी भाई हैं इनको जयपुर के अंदर जब हुंकार भरेंगे तो इसको और बड़ा नाम दे देंगे। लोग मेरे पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, मैं मेरी जाति के विकास की बात जरूर करता हूँ लेकिन जाति के नौजवानों को एक ही संदेश देता हूँ, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो आप आगे बढ़ते रहो। और ऐसा काम करो कि गांव के अंदर बैठे हुए पिताजी के पास या माताजी के पास टेलीफोन आए कि आपका बेटा गोल्ड मेडल लेकर आया है, आपका बेटा बदमाशों से किसी गरीब की जान बचा रहा था, आपका बेटा बहादुर है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था, आपके बेटे अंदर आगे बढ़ रहा है, ऐसा टेलीफोन आए तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसा फोन नहीं आना चाहिए कि आपके बेटे ने ट्रांसफार्मर के तार चुरा लिए, आपके बेटे ने बोलेरो गाड़ी चुरा ली, ऐसे फोन आने से गांव में उनको लोग बोलने नहीं देते। मेरे भाइयों इस बात को भी ध्यान रखना, हम ऐसी कौम से हैं जिस कौम ने दिल्ली की सल्तनत पर जब जब संकट आया सबसे ज़्यादा भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों ने विद्रोह किए, चाहे औरंगजेब था और चाहे लोधी था और गजनी था या गोरी था, सब से हम लड़े और लड़ते लड़ते
हम इतने पक्के हो गए कि अब आपस में लड़ने लग गए, दूसरे तो आने बंद हो गए। अरे भाइयों, आपस में नहीं लड़ना है, हमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। सारी एनर्जी, जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, आपको भी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई देनी चाहिए। असली किसान का बेटा राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपकी सरकार आ गई तो अपराधी अपना सामान सट्टा लेके और कई जूते चप्पल छोड़ के बंगाल की खाड़ी के अंदर आधे घंटे में भाग जाएंगे। कोई अपराधी राजस्थान के अंदर नहीं रहेगा जो किसान के बेटों को तंग और परेशान कर रहा है। और भ्रष्ट नेता पहले से ही पासपोर्ट बनाने लगे, अभी वीजा की तैयारी करने लगे। हो सकता है जवानों की करवट है और ऐसा कुछ हो जाए। मेरे भाइयों, हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो दिल से राजनीति करता है। मुझे मेरे मीडिया के साथी बहुत पूछ रहे थे कि इतनी भीड़ क्या चाहती है, आप ये बताओ। तो मैंने कहा लोग तो दिमाग से राजनीति करते हैं और मैं दिल से करता हूँ, इसलिए लोग मेरे से दिल से जुड़े हैं। लहरा आदमी अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझ कर राजस्थान के जिले में। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों को कि पहले धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक क्षेत्रवाद चलता था। शेखावटी के नेता शेखावटी से बाहर नहीं जाते थे, मारवाड़ के नेता मारवाड़ में रहते थे, बीकानेर डिवीजन के नेता अपने इलाकों में थे, भरतपुर के नेता भरतपुर की बात करते थे और ईस्टर्न राजस्थान अलग से था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के किसान के बेटों ने सबको एक धागे के अंदर पिरो लिया, सब एक साथ आ गए और राजस्थान के अंदर एक ही बात चली, हमें राजस्थान के अंदर असली किसान का बेटा सीएम चाहिए, चाहे वो किसी भी जिले का हो, ये हमें मंजूर है। एक मेरे भाइयों, मैं छोटे भाइयों को एक राय और दूंगा कि कई बार सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो और फालतू की एनर्जी खत्म करते हो, उसका थोड़ा ध्यान रखा करो। कई तरह के ऑडियो वीडियो चलते हैं, फिर ऐसे ऑडियो वीडियो अगर प्रदेश के अंदर चलेंगे तो अपनी संस्कृति का भी ह्रास होता है। हमें जातिवाद मिटाना है और जातिवाद कैसे मिटेगा, जब किसान संगठित हो जाएगा तो सामंती ताकतें भाग जाएगी। उनकी संख्या ही नहीं राजस्थान के अंदर, जिनकी संख्या है वही राज करेंगे, संख्या हमारी है। आप संगठित हो जाओ, राजस्थान का सिंहासन आपको पुकार रहा है, राजस्थान के अंदर आप राज करोगे। का आंदोलन है, हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लोग कई लोग कहते होंगे ये सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता प्राप्त करनी होती तो कभी की कर लेते। हम सिर्फ इस आंदोलन को, मेरे भाइयों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। हम चाहते हैं पहले किसान कर्ज मुक्त हो राजस्थान का, ताकि उसे आराम से नींद आए कि भाई मेरे ऊपर बैठ कर नहीं आएगा, कोई नोटिस नहीं आएगा। अब तो यह बात करने के लिए चूरू की महिलाओं ने भी यहाँ भरी थी कि अब चूरू में आएगी तो पकड़ लेंगे मैडम। अब ये तो अपने वाले क्या शुरुआत करने का लड़का था सर। फिर नागौर वाले भी तैयार बैठे कि आप ही पूछेंगे मोतियार कटा था, और हमारे वाले भाई तो ये पूछेंगे, कोई तो कहेगा भाभी हमारा भाई कहाँ गया, कह रही झाट की लगाई हो, कोई काकी बोल के कहेंगे उसको कहाँ छोड़ गए आप। भाइयों, आप सबने इस जन आंदोलन के अंदर मेरा सहयोग समर्थन किया और जिन गांवों के अंदर मैं नहीं पहुंच पाया उन गांवों के अंदर भी दोबारा हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे और जयपुर की रैली की जब घोषणा करेंगे उसके बाद शेखावटी अंचल के अंदर भी प्रमुख इलाकों से हम आपके बीच सबके बीच आएंगे और वहां भी शेखावटी का जोश जयपुर में भी अलग से नजर आना चाहिए। और जयपुर में आप 15 लाख लोग इकट्ठे हो जाओगे, उस दिन आपका राज राजस्थान के अंदर आ जाएगा। मैं एक आह्वान करता हूँ कि सारी उन जातियों को हमें जोड़ना है जो 1947 से पहले हमारे साथ सीने पर गोलियां खाने को तैयार थी। डाबड़ा के अंदर जब सामंतों से झगड़ा हुआ तब जाटों के साथ ब्राह्मणों ने भी सीने पर गोलियां खाई, उनकी मूर्ति लगी हुई है। भोपालगढ़ के अंदर जब लेनी आंदोलन हुआ तो जाट समाज के साथ साथ माली समाज के लोगों ने भी सीने पे गोली खाई और सरकार को लेवी आंदोलन को वापस लेना पड़ा। जाटों के साथ सामंतों से लड़ते लड़ते मुस्लिम भी शहीद हुए, उन भाइयों को भी साथ रखना है।
और दलितों ने हमेशा हमारा साथ दिया। और 1952 के अंदर जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस 52 के चुनाव के अंदर बूथ पे जहाँ जागीरदार चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ तमाम उन जातियों को वोट दिलाने के लिए बूथ पे कोई लेके गया, तो हमारे किसान के बेटे उन तमाम हमारे दलित भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ बूथ पे उंगली पकड़ के लगे थे। 47 के बाद भी तमाम जातियाँ हमसे प्यार करती है, और अब थोड़ा बहुत खटास 90 के बाद आया। इसलिए मैं नौजवानों को आह्वान करता हूँ, जिस तरह आपने हुंकार भरी है, आप ये भी हुंकार करो भरो कि 36 कौम को हम साथ लेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और सत्ता के सिर पर कब्जा करेंगे। ये था सीकर से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर राजस्थान के जाने माने किसान नेता और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल के द्वारा किसान हुंकार महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि रैली शुरू होते ही भारी बारिश हुई, तेज तूफान आया, लेकिन उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आयोजित हुई, जिसमें किसान नेता हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर से केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार पर और साथ में कांग्रेस के नेताओं पर जन पर हमले बोले और तमाम लोगों को किसान विरोधी करार दिया और निवेदन किया कि किसान के बेटे को अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया जाए। ऐसे सुधकले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।